मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहचारी इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष इतिहास के फर्स्ट पेपर राजस्थान के इतिहास में कुंभार गुजरात के साथ संघर्ष, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इनके संबंध किस प्रकार के थे, संघर्ष के क्या कारण थे, और यदि इनका गठबंधन मालवा के साथ हुआ है तो वो उसके क्या कारण थे, और फिर उन संबंधों की समीक्षा को हम देखेंगे। इसमें गुजरात के साथ संबंधों के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो इनके बीच में संबंध रहे हैं उनमें परंपरागत शत्रुता रही है। तो कुंभार गुजरात के संघर्ष के मुख्य कारणों में हम सबसे पहले ले रहे हैं परंपरागत शत्रुता। परंपरागत शत्रुता ये इनके बीच में क्यों रही, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये शत्रुता कुंभा को विरासत में मिली थी, और 1433 ईस्वी में जब गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो महाराणा मोकल उसका रास्ता रोकने के लिए उन्होंने झीलवाड़ा के समीप अपना शिविर लगाया था, और उस शिविर में उस अभियान के दौरान ही, गुजरात के सुल्तान के आक्रमण के दौरान ही, इनके भाई बंधुओं ने मेवाड़ के जो क्षेत्र सिंह की अवैध संतानें थी उन्होंने महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी। लेकिन उस दौरान मेवाड़ को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। मेवाड़ के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस अवसर पर अहमद शाह ने मेवाड़ में अधिक लूटपाट न करके सीधे नागौर की ओर प्रस्थान कर दिया था, और नागौर में उस समय फिरोज खां जो मुस्लिम शासक था उसने गुजरात के सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और इस तरह से मेवाड़ लूटपाट से बच गया था। और उसके बाद अहमदाबाद जाने के बाद सुल्तान अहमद शाह वो अपनी आंतरिक समस्याओं में ही उलझा रह गया, और फिर मेवाड़ पर आक्रमण करने का उसे समय नहीं मिला था। आगे उसकी 1442 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से ये जो शत्रुता थी कुंभा को विरासत में मिली थी। अहमद शाह के बाद उसका जो पुत्र था मोहम्मद शाह सेकंड वो गुजरात का सुल्तान बना, और मोहम्मद शाह सेकंड जब 1442 में सुल्तान बना तो उस दौरान उसने उसके शासनकाल में गुजरात में खुद इतने विद्रोह हो गए थे कि वो उन विद्रोहों का ही सामना करने में उलझा रहा, और मेवाड़ पर आक्रमण करने का उसे समय नहीं मिला। 1451 में उसकी मृत्यु हो गई थी, 1451 में। और उसके बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह गुजरात का नया सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन अहमद शाह जो गुजरात का नया सुल्तान बना उसने भी 1459 ईस्वी तक 1459 तक शासन किया। उसके बाद उसका चाचा दाऊद शाह उस समय के लिए शासक बना, और उसने भी शासन किया कुछ समय के लिए। दाऊद शाह के बाद फतेह खां सुल्तान बना, जो भारतीय इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार कुंभा को अपने शासनकाल में गुजरात के 5 सुल्तानों के साथ सामना करना पड़ा, संघर्ष झेलना पड़ा। लेकिन कुंभा को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने इन सभी सुल्तानों की विस्तारवादी नीति से
मेवाड़ की रक्षा की और मेवाड़ की एक इंच भी भूमि उसने नहीं जाने दी। कुंभा और गुजरात के बीच संघर्ष का दूसरा कारण था नागौर की राजनीतिक स्थिति। नागौर की राजनीतिक स्थिति वो किस तरह की थी, उत्तराधिकार संघर्ष क्यों हुआ और उस संघर्ष में कुंभा की क्या भूमिका रही थी। तो मेवाड़ और गुजरात के संघर्ष का मुख्य कारण भी नागौर की राजनीतिक स्थिति थी। इस नागौर राज्य पर फिरोज खां का शासन था और ये फिरोज खां जो नागौर का शासक था वो गुजरात के सुल्तान के प्रति निष्ठा रखता था। 1451-52 में फिरोज खां की मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु के साथ ही उसके बाद ही नागौर के सिंहासन के लिए उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया था। इसमें फिरोज खां का जो भाई था मुजाहिद खां, उसने फिरोज खां के लड़के शम्स खां को हटाकर नागौर का सिंहासन हस्तगत कर लिया था, छीन लिया था। तो फिरोज खां का जो लड़का था शम्स खां वो कुंभा के पास आश्रय लेने पहुंचा, सैनिक सहायता की उसने याचना की। कुंभा को भी ये उचित अवसर लगा कि क्योंकि वो भी मेवाड़ का प्रभुत्व बढ़ाने चाहता था और ये उसे एक सुअवसर लग रहा था, महसूस हो रहा था, तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें सहायता दे दूंगा लेकिन यदि तुम नागौर के शासक बनोगे तो मेरी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। तुम नागौर दुर्ग की किलेबंदी नहीं करोगे और किले की जो 3 बुर्जियाँ हैं उसको भी नष्ट कर दोगे। शम्स खां ने उस समय दोनों ही शर्तें कुंभा की स्वीकार कर ली और इस पर फिर कुंभा ने उसको सैनिक सहायता दे दी और कुंभा की सहायता से मुजाहिद खां वहाँ से डर के मारे चला गया और फिर शम्स खां वहाँ का शासक बन गया। शम्स खां शासक बना कुछ दिन तक तो उसने कुंभा की शर्तों का पालना की लेकिन कुछ समय बाद ही उसने नागौर दुर्ग की मरम्मत और किलेबंदी का काम शुरू कर दिया। इस पर कुंभा ने सोचा कि ये तो वादा खिलाफी कर रहा है, संधि को नहीं मान रहे हैं, तो उसने उसको सबक सिखाने का निश्चय किया और एक सेना उसके विरुद्ध भेजी। शम्स खां ऐसा अवसर देखकर वो गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के पास सहायता की भीख मांगने चला गया और उसने यहाँ पर अपनी बेटी की शादी भी कुतुबुद्दीन खां से करने की बात करी और कुतुबुद्दीन ने फिर उसको सैनिक सहायता दी और उसकी मदद से फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शम्स खां उस समय के लिए रहा शासक। लेकिन शम्स खां गुजरातियों की सहायता से कुंभा का मुकाबला कर रहा था परंतु इस संघर्ष में कुंभा ने अपने शत्रुओं को पराजित किया, ऐसा वर्णन आता है, और नागौर के आसपास मुस्लिम परिवारों को क्षति पहुंचाई। लेकिन नागौर का शासक फिर भी शम्स खां बना रहा। यहाँ पर हमें कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है कि कुंभा ने जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उससे पता लगता है कि कुंभा ने नागौर दुर्ग पर अधिकार मतलब वहाँ पर अधिकार करने से पहले उसने मस्जिदें जलाई, किले को तोड़ा, खाई भरवा दी, खजाने और विपुल जो रत्न थे उनका संचय किया, यवनों को कैद किया, उनको दंड दिया। लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। नागौर के आसपास के क्षेत्रों को वो बर्बाद करके लौट गया था लेकिन कुंभा का नागौर पर अधिकार नहीं हुआ था और शायद कुंभा ने ये कदम नागौर को आगे बढ़कर जीतने का इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि जो राठौड़ जोधा था शासक मारवाड़ का, उसकी आक्रामक गतिविधियां बढ़ रही थी। वो अपने पैतृक राज्य राजधानी जो मंडोर थी उस पर अधिकार जमा चुका था
और मेवाड़ पर भी वो नियमित रूप से आक्रमण कर रहा था। इस आक्रमण की वजह से कुंभा ने शायद नागौर पर समय नष्ट करना उचित नहीं समझा और उसके बाद वो मुस्लिम सेना के की पराजय ने फिर कुंभा के हाथों शम्स खां और गुजरात की मुस्लिम सेना की पराजय ने उस समय के लिए भारत पर भारत के सभी मुसलमानों को भयभीत कर दिया था और ऐसा माना जाता है कि इससे सुल्तान कुतुबुद्दीन की प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगा था। 1456 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने एक शक्तिशाली सेना के साथ चित्तौड़ पर प्रस्थान किया और तबकात अकबरी का लेखक निजामुद्दीन भी बताता है कि कुतुबुद्दीन ने कुंभलगढ़ की तरफ प्रस्थान किया और जब वह आबू के आसपास पहुंचा तो सिरोही का जो अपदस्थ राजा था देवड़ा शासक ने सुल्तान की सेवा में उपस्थित होकर उसने महाराणा से अपना पैतृक राज्य पुनः दिलाने की प्रार्थना की और सुल्तान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आबू जीतने का दायित्व उसने अपने सेना को सौंपा। वो उसके साथ सिरोही की तरफ बढ़ा। कुंभा की सेना ने आबू के समीप उसके सेना नायक को पराजित कर दिया और जब सुल्तान को अपने सेना नायक की पराजय की सूचना मिली तो उसने उसे अपने पास बुला लिया और सेना सहित फिर वो कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ गया। इस समय कुंभा मांडलगढ़ से मालवा के सुल्तान महमूद खलजी को खदेड़ने में व्यस्त था। फिर भी कुतुबुद्दीन के कुंभलगढ़ पहुँचने के पहले ही कुंभा भी कुंभलगढ़ पहुँच गया। कुंभलगढ़ पर गुजराती सुल्तान के आक्रमणों के परिणामों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। फरिश्ता का ऐसा मानना है और कुछ मुस्लिम इतिहासकारों का भी ऐसा मानना है कि इस युद्ध में महाराणा कुंभा पराजित हुआ। उसने सुल्तान को बहुत से रुपए देकर और भविष्य में नागौर पर आक्रमण न करने का वचन भी दिया और फिर सुल्तान भी संतुष्ट होकर वापस लौट गया। जबकि राजस्थानी स्रोतों के अनुसार कुंभा ने सुल्तान को पराजय दी, बुरी तरह से पराजित किया जिससे वो वापस लौट गया और ऐसा संभव है कि कुतुबुद्दीन ने विपरीत परिस्थितियों को भांप कर वापस लौटना ही उचित समझा हो। तो इस तरह से दोनों ही फारसी और राजस्थानी स्रोत अपने अपने शासकों के पक्ष में अपने उनकी विजयों का गुणगान कर रहे हैं। फरिश्ते का मानना है कि जब कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ से वापस लौट रहा था तो मार्ग में उसे मालवा का सुल्तान महमूद खलजी का राजदूत ताज खां मिला और अपने स्वामी की तरफ से ये कहा उसने कि यदि मालवा और गुजरात आपस में मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करें तो कुंभा की शक्ति को नष्ट करना आसान रहेगा। महमूद की तरफ से ये प्रस्ताव भी रखा गया कि विजय के बाद गुजरात के मेवाड़ का दक्षिणी भाग अपने राज्य में मिला ले और अहिरवाड़ा का भाग मालवा को मिले और इस तरह से आगे चलकर इनके बीच में संधि हुई जो कि चंपानेर की संधि कहलाती है। इसके विपरीत कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में रसिक प्रिया में कुंभा द्वारा दोनों सुल्तानों को पराजित करने का विवरण मिलता है और उसमें ऐसा आता है कि दोनों सुल्तानों को एक दूसरे के प्रति अविश्वास रहा हो जिसकी वजह से वो मिलकर कोई योजना नहीं बना पाए और इधर उधर की लूट खसोट के बाद दोनों वापस लौट गए हैं। फरिश्ता ने लिखा है कि दोनों सुल्तानों के आगे कुंभा को पराजित होना पड़ा और उन्हें विपुल धनराशि देकर विदा करना पड़ा। इसके अतिरिक्त तारीख अल्फी से अलग बात हमें मिलती है कि कुतुबुद्दीन ने राणा से अपनी शर्तें तय कर ली और महमूद खलजी को अपने तौर से राणा से संधि करने के लिए अकेला छोड़ दिया। तो गठबंधन होते होते पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ पर यद्यपि बार बार आक्रमण किया परंतु उसे किसी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी और 1459 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद इनके कुछ समय के लिए गुजरात में राजनीतिक
अस्थिरता का वातावरण हो गया, जिससे मेवाड़ पर गुजराती आक्रमण का भय बचा रहा। कुतुबुद्दीन के बाद उसका चाचा दाऊद खां वो सिंहासन पर बैठा और वो भी अपने सरदारों से विश्वास प्राप्त नहीं कर सका था। गुजराती सामंतों ने नागौर के शासक शम्स खां और उसकी पुत्री को मौत के घाट उतार दिया और कुछ दिनों बाद दाऊद खां को भी सिंहासन से हटाकर फतेह खां को सुल्तान बनाया, जो कि महमूद बेगड़ा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। 1463 ईस्वी में राणा कुंभा को गुजरात की ओर से फिर किसी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन गिरनार की बात को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ा बहुत तनाव उत्पन्न हुआ। गिरनार सौराष्ट्र का एक छोटा सा समुद्र क्षेत्र था, जिस पर कुंभा का दामाद शासन कर रहा था और महमूद बेगड़ा इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाने को उत्सुक था, और इसी उद्देश्य के लिए उसने 1467 में गुजरात पर आक्रमण किए, परंतु कुंभा के समय पर सैनिक सहायता मिलने से तीनों बार गिरनार वालों ने बेगड़ा के आक्रमण को विफल बना दिया। कुंभा और बेगड़ा दोनों ही सम्मुख युद्ध को टालना चाहते थे, अतः दोनों के मध्य सीधे संघर्ष की नौबत नहीं आई। कुंभा की मृत्यु के बाद फिर महमूद बेगड़ा गुजरात को जीतने में सफल रहा। जो अगला बिंदु है, मालवा और गुजरात गठबंधन की समीक्षा। इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि 1491 ईस्वी के आसपास जो मालवा और गुजरात के मध्य मेवाड़ के विरुद्ध चांपानेर की संधि हुई थी, उस संधि के लिए ऐसा कहा जाता है, चांपानेर की संधि के लिए उपेंद्रनाथ डे का ऐसा मानना है कि ये जो संधि हुई थी जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ राज्य की पराजय के बाद अजमेर, मेवाड़ और नागौर और मालवा के आसपास का क्षेत्र मालवा को मिले। दूसरी शर्त थी, गुजरात का सुल्तान जब भी आवश्यकता पड़े मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। और तबकाते अकबरी के अनुसार ऐसा लगता है कि दोनों में ये तय हुआ कि कुतुबुद्दीन गुजरात की सीमा से लगे कुंभा के क्षेत्रों को बर्बाद करेगा और महमूद खलजी मेवाड़, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाएगा, और जब भी इनको आपस में आवश्यकता पड़ेगी तो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि चित्तौड़, सिरोही, कुंभलमेर को गुजरात का प्रभाववर्ती क्षेत्र माना गया और मेवाड़, अजमेर और आसपास का क्षेत्र मालवा के लिए छोड़ दिया गया। दोनों सुल्तानों के मध्य संधि के अनुसार कुछ काम किया गया और कुतुबुद्दीन ने आबू जीतकर कंथादेव को वापस किया। आबू से कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ गया और वहाँ जब उससे सफलता नहीं मिली तो चित्तौड़ की तरफ उसने रुख किया, यहाँ भी असफल रहा और आसपास के क्षेत्रों को लूटकर वापस चला गया। दूसरी तरफ महमूद खलजी ने मंदसौर को अपना केंद्र बनाया और यहाँ से उसने हाड़ोती, टोड़ा भीम आदि क्षेत्रों को बर्बाद करने के लिए सैनिक दस्ते भेजे। अजमेर से फिर वो मांडलगढ़ आया, परंतु वहाँ भी उसे पराजित होना पड़ा। मांडलगढ़ पर महमूद के दावे निरंतर होते रहे और अंत में उसने मांडलगढ़ लेने में सफलता मिल गई थी। 1457 ईस्वी में एक तरफ से महमूद ने पूर्वी मेवाड़ पर आक्रमण किया और दूसरी तरफ से गुजरात ने भी हमला कर दिया। इस समय मारवाड़ के राव जोधा ने भी आक्रमण शुरू कर दिए थे। ऐसी स्थिति में कुंभा ने युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध नीति और कूटनीति का सहारा लिया। मुस्लिम सुल्तानों को कठोर परिश्रम के उपरांत भी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के साथ ही चंपानेर की संधि का अंत हो गया और इस प्रकार मालवा गुजरात गठबंधन
कुंभा को परास्त करने में असफल रहा। और इसका मुख्य कारण यही कह सकते हैं कि कुंभा को दोनों की संयुक्त सेना से एक भी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, फिर भी कुंभा को एक ही समय में उनकी पृथक पृथक सेनाओं से संघर्ष अवश्य करना पड़ा और इस संघर्ष में वह मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहा। यही कुंभा की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। फिर 1468 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु, उसका जो पुत्र था उदय सिंह, जिसे उदा भी कहा जाता है, उदा, उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और हत्या करके वो गद्दी पर बैठ गया था। ये जो हत्या की गई थी, इसकी वजह से उसे पितृहंता भी कहा जाता है। मेवाड़ के सामंतों ने पितृहंता को मेवाड़ का शासक बनना स्वीकार नहीं किया और फिर आगे चलकर उसने कुंभा के जो छोटा पुत्र था रायमल, जो कि उस समय अपने ससुराल में था, इडर में था, उसको बुलावा दिया और फिर मेवाड़ी सेना ने उसको सहयोग दिया और आगे चलकर 1473 ईस्वी में फिर रायमल मेवाड़ का शासक बना। तो इस तरह से कुंभा की हमें गुजरात के साथ संघर्ष के कारण क्या थे, संघर्ष क्यों हुए, और साथ ही जब दोनों अलग अलग गुजरात और मालवा कुंभा को पराजित नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने गठबंधन किया। कुंभा ने उस गठबंधन को हावी नहीं होने दिया और चंपानेर की संधि की जो शर्तें थीं उसके अनुरूप दोनों को मेवाड़ पर आक्रमण करते हुए भी मेवाड़ का हिस्सा जरा भी नहीं लेने दिया। और इस तरह से कह सकते हैं कि मालवा गुजरात गठबंधन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठबंधन हुआ था कि मेवाड़ को ही समाप्त कर देंगे, लेकिन वो दोनों इस मेवाड़ को समाप्त नहीं कर सके। कुंभा ने भी दोनों ही सेनाओं को गठबंधन नहीं रखते हुए, नहीं होने देते हुए पृथक पृथक दोनों ही सेनाओं से संघर्ष किया और इस संघर्ष में वे मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने में पूरी तरह से सफल रहा।